लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम की। दशरथ नंदन श्री राम की। दशरथ नंदन श्री राम की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान। माता, 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 अब जब ये रामशिला अयोध्या की नदी में प्रकट हुई तो मैं इसे यहाँ लाने से रुक न सका। माता, माता, इसे अपने पूजा स्थल में प्रतिष्ठित कीजिए। ये शिला केवल शिला नहीं है माता, स्वयं प्रभु श्री राम का प्रतीक है। माता, प्रभु श्री राम का प्रतीक है माता। हाँ हनुमान, हाँ। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, इस पावन रामशिला के दर्शन से तुम्हारी नल, नील और वानर सेना की पराक्रम की स्मृति सदा जागृत होगी। आप धन्य हैं माता, आप सचमुच धन्य हैं। अच्छा माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। महर्षि, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। हनुमान, रघुकुल के कुलगुरु वशिष्ठ जी दिव्य ज्ञानी हैं, वे श्रीराम को अश्वमेध यज्ञ का स्मरण अवश्य कराएंगे। महर्षि, जहां तक मुझे ज्ञात है अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो मेरी ओर से गुरु वशिष्ठ तथा श्रीराम को अनुरोध करना, वो समय अब आ गया है, वे शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करें, क्योंकि भविष्य में इससे कई महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे रुको रुको, प्रभु श्री राम कहाँ हैं? प्रभु श्री राम तो उद्यान की दूसरी ओर आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। नहीं लक्ष्मण, ऐसा कैसे हो सकता है कि हनुमान हमें बिना बताए कहीं चला गया? भैया, मैं जानता हूँ कि आप हनुमान के बिना उद्विग्न हो जाते हैं, वे अवश्य किसी आवश्यक कार्य से गए होंगे। ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य हो सकता है लक्ष्मण कि हनुमान हमें बिना बताए कहीं चला गया? आप चिंतित मत होइए भैया, हनुमान शीघ्र ही आते होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ प्रभु, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। हाँ भैया, ये भक्त कितना सौभाग्यशाली है कि स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए चिंतित हैं। स्वयं भगवान अपने भक्त के लिए चिंतित हैं। आज मेरे आनंद का पारावार नहीं है प्रभु, आज मेरे आनंद का पारावार नहीं है। हनुमान, पहले हमें ये बताओ कि तुम हमें बिना बताए चले कहाँ गए थे? भैया, आज का दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है। भैया, बड़ा सौभाग्यशाली है। सबसे पहले तो मेरे परम भक्त नरोत्तम से भेंट हुई। नरोत्तम? हाँ भैया, भक्त नरोत्तम, वो प्रभु श्री राम के इस तुच्छ सेवक का परम भक्त है और अपनी भक्ति में इतना लीन है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज उसी के निमित्त मुझे पवित्र रामशिला की प्राप्ति हुई प्रभु, पवित्र रामशिला की प्राप्ति हुई। रामशिला? तुम किस रामशिला की बात कर रहे हो हनुमान? वही पवित्र रामशिला भैया, जिसके सागर में तैरने से महान सेतु का निर्माण हुआ था। रामशिला, सेतु, परंतु इन सब पुरानी बातों का अब क्या प्रयोजन हनुमान? नरोत्तम की कथा तो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा भैया, मुख्य बात तो रही गई। कौन सी बात? आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है भैया। सबसे पहले तो भक्त नरोत्तम से भेंट हुई, फिर गुरुवर नारद से, तत्पश्चात महर्षि वाल्मीकि से, फिर दो दिव्य राजकुमारों लव कुश से, फिर माता सीता से, भाभी सीता, अब अपने प्रभु श्री राम से और भैया लक्ष्मण से। अब आप ही बताइए, आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है या नहीं प्रभु? आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली है या नहीं? हनुमान, अर्थात तुम वाल्मीकि आश्रम गए थे? हाँ भैया, मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम गया था। और प्रभु, महर्षि वाल्मीकि ने आपके लिए एक विशेष संदेश भिजवाया है कि अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ करने में हमें एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान,
गुरु वशिष्ठ ने भी हमसे यही कहा था कि अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करने में अब हमें एक दिन का विलंब भी नहीं करना चाहिए। देवस्य सत्यो देवानां पत्न्यः